हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग जो है छानी जा रहे हैं, बिकॉज आज जो है हम लोग गड्ढे बना रहे हैं उसके लिए ना, एप्पल के लिए। तो दूसरे गांव वालों को भी बुला रखा हम लोगों ने ना, गांव में ऐसे ही काम करते हैं। कभी हम किसी के साथ जाएंगे तो वो लोग हमारे साथ आएंगे, कितना ही ना अच्छा है। लेकिन फिर ज़्यादा लोग होते हैं ना, फिर फटाफट काम हो भी जाता है। अभी कम लोग होंगे, फिर कम लोगों का काम नहीं होता है। मैं ही सबसे पीछे हूँ, बाकी सब लोग चले गए आगे। दिखाता हूँ किधर जाना हमें, रास्ता भी बड़ा अजीब सा है। इधर पहले आते थे हम लोग, अभी तो मैं पता नहीं कितने साल के बाद आ रहा हूँ इधर, कभी आना नहीं हुआ। ये कुछ रास्ता ऐसा कैसा है रास्ता बना जी, इधर से जाना हमारे को। इधर कुछ लोग तो चले भी गए, ये भैया और जा रहे हैं, ये नीचे भी लोग पहुंच गए हैं। उधर जाना मैं नीचे, यहाँ से दिख नहीं रहा घर हमारा, आगे से दिख जाएगा, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये उधर जाना मैं नीचे, दिख भी रहा होगा पता नहीं, नहीं क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं लगी ना। इधर जैसा है धूप नहीं लगी अच्छे से, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। सामने ही मचल रोड बन रहा उधर, भाई ढलान में चलना बहुत मुश्किल है, रियली बहुत मुश्किल है भाई। मेरी पूरी बॉडी कंपन सी हो रही है क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद चल रहा हूँ ना, इतना दूर इतना लंबा सफ़र मैंने बहुत दिन के बाद किया। अभी उतराई में भयंकर हो रहा है, बिल्कुल एकदम से नीचे बजा रही मेरी टांगे। कितने ऊपर से आए हम लोग, ऊपर से आ रखे बिल्कुल, हालत देखिए सर कैसी हो रखी है। पसीना पसीना हो रखा है, चल के जैकेट की चैन निकाल दी मैंने, इतनी गर्मी लग रही है। बहुत थकान होगी वापसी में, पता नहीं क्या होगा, देखी जाएगी जो भी होगा। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 15-20 मिनट में हम लोग जो है पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आते थे हम लोग ना पहले, जब छानी से घर के लिए आते थे ये सीधा लगता था, वहाँ से थक के आते थे ना नीचे से चढ़ाई वहाँ पे, फिर यहाँ पे सीधा लगता था, ये बड़ा मज़ा आता था चलने में। मतलब एक रेस्ट मिलता था एक तरह से, फिर चलते रहो ऊपर मिलते फिर था ना डायरेक्ट छानी में। ठीक है, ये सामने रोड का काम चल रहा है उधर ना, ये है बहुत अच्छा रोड बन रहा है, डबल कटिंग हो रहा ना, हिमाचल का बड़ा सारा ये पूरा एरिया हिमाचल का। इधर इधर एक छोटा सा टाउन है, इधर ये छोटा सा टाउन एक हिमाचल में बैठा है, इधर का नाम गुम्मा है। ये पीछे उसके पीछे स्टार्ट, हाल जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं तो अभी बैठ गया थोड़ा रेस्ट कर रहा था, क्योंकि टांगे ऐसे कांप रही थी भयंकर, गिरने वाला था जैसे। मन का अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और लोग भी थे बैठे पीछे ना, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। चल तेरा मन का आते रहना तुम लोग, मैं मिलूँगा नीचे थोड़ा, मैं थोड़ा यार रखूँ भी नीचे, वो आ ही रहे पीछे से, अभी गर्मी भी हो रही भयंकर। चलते चलते और रास्ता देखो जरा कैसा ये रास्ता है इधर से। इसके नीचे नीचे जाना पड़ेगा पेड़ों के अंदर अंदर, लेकिन रास्ता नहीं भूला हूँ मैं। काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ, लेकिन रास्ता अभी भी याद है, क्योंकि पहले इधर से आते जाते थे ना हम लोग, तो अभी भी वही रास्ता है। रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी याद है। ये यहाँ से जो है हमारी छानी दिख जाएगी पीछे से, थोड़ा नीचे से ना बॉडी में ऐसे कंपन हो रही है, पूरी बॉडी हीट हो रही है, हीट हो रही है। तो
पसीना पसीना हो गया अंदर, ये कुछ ऐसा एरिया इधर। ये दिख गई हमारी छानी नीचे ग्रीन वाली है, ये सामने से टोंस नदी आ रही है। इधर आ गया ये, हेलो इधर थोड़ा, ये रोटी खा रहा है ये, हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, ये बकरू हमारा, ये देखो इसको भूख लगी है, इसको जो भूख लगी है। हेलो बकरू, अब हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट काम हो चुका है हमारा, दो खेतों में हमने गड्ढे बना दिए, जो घर जाएंगे। यहाँ पे हवा चलती बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ चलती हवा, पता नहीं आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं, बहुत थकान हो गया आज तो, बॉडी पेन हो रही है। जाके सबसे पहले नहाने अब तो शावर लूँगा, उसके बाद नमस्ते हो जाओ। देखो हालत कैसी होगी, नीचे आने के टाइम इतना दर्द हुआ पैरों में, बहुत ज़्यादा पूरी कंपन हो रही थी बॉडी में, पहली बार चलाना ये था, मतलब बहुत दिनों के बाद ना, इसलिए भयंकर दर्द आ रहा। अब ऊपर पता नहीं कैसे जाऊँगा, पता नहीं क्या ही होने वाला आज। देखा था हमें कहाँ कहाँ से, हम लोग आए इधर से जाएंगे, ये इधर से आए हम लोग है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये उधर ऊपर से आए हम लोग, जहाँ बिल्कुल फाइन दिख रहा ऊपर वहाँ से हम लोग, इधर से उसी पीछे से आए हम लोग, बहुत दूर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, पता नहीं कैसे जाऊँगा आज, पता नहीं मस्त एडवेंचर होने वाला आज, मस्त चढ़ाई है बिल्कुल। ये उधर सब लोग बना रहे गड्ढे, बना रहे अभी भी गड्ढे तो बन गया, उसको भरना है और क्या उसका पॉल्टी को, उसको पेड़ को लगाना, पॉल्टी बोलते उसको ना, जब ये छोटे छोटे होते ना ये पेड़, ये देखो इधर भी लगे हुए पेड़, एप्पल के पेड़ ये देखो सब जगह लगे हुए पूरे खेत में, बहुत दर्द हो रहा सच में, बहुत पता नहीं क्या ही होगा आज तो। कल हम लोगों ने तौलिया भी बनाए थे ना, पर कल तो ज़्यादा कुछ भी दर्द नहीं हुआ था, वैसे पेन तो नहीं हुआ था, आज तो बहुत पेन हो रहा है, कल ही पता चलेगा कहाँ कहाँ पेन होने वाला है, इसको पैर तो जाम हो जाएंगे मेरे पूरे, देखते जरा क्या होता है, मिलते हैं ना जब घर जाएंगे हम लोग,
तब मिलते, ठीक है, तक के बाय बाय। गाइज हम लोग जो है घर के लिए चल दिए बहुत पहले, लेकिन थकान बहुत हो रही है यार, पूरी बॉडी पेन हो रही है, पूरी बॉडी, हर 10 मिनट के बाद बैठना पड़ता है, और अभी भी काफ़ी है, जितना घर पहुंचते जा रहे हो उतनी ज़्यादा पेन हो रहा बॉडी में। थोड़ा सा चलते हैं, मेरे साथ एक और भाई भी इधर लेटा हुआ। अच्छा हुआ साथ ही मिल गया मेरे को, नहीं तो अकेले ही जाना पड़ता। बहुत चढ़ा यार बहुत, और चलने की आदत भी नहीं है। नीचे के लिए मैं गया उस समय काफ़ी थकान हो गई थी मेरे को। चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है। गाइस हम लोग जो है घर पहुंच गए। आज तो हालत खराब हो गई सच में, भयंकर वाली। अभी मसाज करवा रखी मैंने, सोचा देख मैंने आनी ऐसी, यहाँ पे हीटर के पास बैठे, मतलब हीटर जला रखा ना इसलिए ऐसे ही बैठा हूँ मैं, नहीं तो ऐसे नहीं बैठ सकते। क्या अब नींद आ रही है, अब सोते हैं, पता नहीं सुबह क्या होगा। सच में बहुत दर्द हुआ, मैं तो हर 10 मिनट के बाद बैठ रहा था, इतना ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ सर, इतना थकान तो मेरे को काम करते हुए भी नहीं, जितनी चलते हुए भी, इतना बिल्कुल ऐसे मन कर रहा था बैठ जाऊँ ही, घर तो आना ही था, मैंने कहा चलते रहो, थोड़ी देर बाद बैठ जाते थे, 10 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 5 मिनट चलते थे फिर बैठ के। मेरे साथ एक और था जो मैंने दिखाया था, वो भी बेचारा ऐसे ही था, नया नया था वो भी सही। मैंने कहा एक जोड़ीदार तो मिल गया कम से कम मेरे को। भयंकर बॉडी दर्द हो रही है अभी, पता था अब सुबह चलेगा, भयंकर क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, अभी 2-3 दिन तो मैं रेस्ट करूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, रेस्ट करूंगा डेली, बहुत थकान हो रही है। सच में बहुत थकान हो रही है यार। अब जो है इस ब्लॉग को इधर ही एंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्लॉग बड़ा भी हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, है ना, बोर हो जाओगे आप लोग भी बेकार में, और नींद भी आ रही मेरे को बहुत, थक के सच में आज तो नींद आ रही है, करो ले तो सोते हो फिर सुबह पता लगेगा। सुबह पता लगेगा कितना काम किया हम लोगों ने, परसों हम लोगों ने तौलिया बनाने गए थे उधर, हाँ सॉरी कल, कल भी ज़्यादा थकान नहीं है मेरे को, पता नहीं मेरे को चल के ही ज़्यादा थकान है मेरे को, काम करते हुए नीचे भी नहीं हुई थकान मेरे को, तो ज़्यादा काम किया ही नहीं मैंने, लेकिन फिर भी थकान नहीं है मेरे को ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ही काम करा मैंने, फिर भी थकान नहीं, लेकिन चलते हुए तो मैं जब नीचे को जा रहा था तभी मेरे पैर कंपन हो रहा था मेरे पैरों में, क्योंकि उतराई में ना ऐसे थोड़ा वो रहता है ढलान में ना। अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं गाइस, ओके बाय, गुड नाइट, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके।